देवभूमि के एक और वीर सपूत ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कोटद्वार के मनदीप सिंह रावत और पोखरियाल गांव के हमीर सिंह के बाद अब टिहरी जिले के एक और लाल ने अपनी शहादत दी है। बता दें कि चार गढ़वाल राइफल के शहीद जवान प्रदीप सिंह रावत टिहरी के बराई गांव दोगी पट्टी के मूल निवासी हैं। वर्तमान में उनका परिवार गंगानगर ऋषिकेश में रहता है। शहीद की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल शहीद के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। देखिए, प्रदीप रावत जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकेश का होनहार बालक था, वो आज उसने देश के लिए अपनी शहादत दी है। निश्चित रूप से जहां दुख की बात है, वहां गौरव की बात भी है। लगातार मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए तीसरी घटना है। सबसे पहले विकास गुरु, फिर हमारा हमीर पोखरियाल और ये प्रदीप रावत, ये शहीद हुआ है। मैं बहुत श्रद्धांजलि शहीद के लिए देना चाह रहा हूँ और ये बात भी सच है कि उसकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। देवभूमि को अपने वीर जवानों की शहादत पर गर्व है, उनकी वीरता को हर कोई सलाम करता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर कब तक देवभूमि की गोद यूं ही सूनी होती रहेगी और कब तक एक के बाद एक जवान पाकिस्तान की सेना की सीज फायर उल्लंघन के बाद चलने वाली गोलियां खाते रहेंगे। ये सवाल देवभूमि के हर शहीद को अंतिम सलामी देते हुए उठता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।